नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ नगर परिषद और नगर परिषद से जुड़े हुए ठेकेदारों की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बता दें कि सागर जिले के राहतगढ़ के वार्ड क्रमांक 13 में लगभग 2-2.5 माह पहले राशिद कुरैसी के घर से हाजी मुल्ला चौधरी मार्केट साहब के घर तक बनी हुई PCC रोड की खुदाई करके पाइपलाइन डाली गई थी, जिसके बाद से ही PCC रोड बहुत कंडम स्थिति में है और जिसके कारण वाहन चालकों को काफ़ी समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वह किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन इस ओर ना ही नगर पालिका का कोई ध्यान जा रहा है, ना ही ठेकेदारों का। राहतगढ़ निवासी सायर चौधरी ने बताया कि CMO साहब से रोड के संबंध में कई बार कहा गया, लेकिन वो बोल देते हैं ठेकेदार के हैंडओवर है और ठेकेदार मिलते नहीं हैं। नगर परिषद और ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही का शिकार जनता को होना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। समस्या ये है कि ये राहतगढ़ में नगर परिषद के द्वारा पूरे पाइपलाइन का खुदाई का काम चल रहा, पूरे शहर की रास्ते बीच उस पर खोद दी है GCB द्वारा और नगर परिषद और ठेकेदार के द्वारा। अभी तक कोई भी रास्ते पर CC नहीं हुई। नगर परिषद CMO से बोलो, खमरिया से बोलो, बोलते हैं ठेकेदार के हैंड ओवर। ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार है नहीं, ठेकेदार आज तक आया नहीं है नगर परिषद। वाहन चालकों के लिए बहुत परेशानी हो रही रात के समय में, और जो रागीर हैं भी निकलते हैं, उनको बहुत समस्या होती है, बच्चों को गाड़ी लग जाती है और फिसल कर गिर रहे हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। कहीं कहीं रास्ते पर 1-1.5 फीट गहरी नालियाँ बन गई, रास्ता नाली में तब्दील हो गया, बारिश का भराव 1-1.5 फीट रहता है पानी का। नगर परिषद का बिल्कुल ध्यान नहीं है और अध्यक्ष साहब तो मिलते ही नहीं है, पूरे 5 साल हो गए। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।